नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आतंक और पलायन। इसके साथ ही एक सवाल भी कि गुनाहगारों का हिसाब कब। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ खुफिया ब्रांच CIK ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नए आतंकवादी संगठन के खात्मे के लिए घाटी में छापेमारी जारी है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर, गांदेरबल, बांदीपुरा, कुलगाम, गढ़बाड़गाम, अनंतनाग और पुलवामा सहित कई जिलों में छापेमारी शुरू कर दी है। ऑपरेशन के दौरान नए बने आतंकवादी संगठन तहरीक लबैक या मुस्लिम यानी TLM के एक भर्ती मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह समूह लश्कर ए तैयबा का एक हिस्सा है, जिसे कथित तौर पर बाबा हमास नाम का एक पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर चलाता है। जम्मू स्टेशन पर मौजूद प्रवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी की आंख में कहीं ना कहीं एक डर था जो उन्हें बोलने नहीं दे रहा था। खैर, बहुत कुरेदने पर उन्होंने टुकड़ों में बोलना शुरू किया। सोचा था खुशी खुशी घर जाएंगे, नहीं जानते थे कि यू डर के साथ जाना होगा। हम लोग एक साथ आए थे, एक साथ जा रहे हैं। जम्मू स्टेशन पर मौजूद प्रवासियों की भीड़ के बीच जिससे भी पूछो बस यही जवाब मिल रहा था। हर किसी की आंख में कहीं ना कहीं एक डर था जो उन्हें बोलने नहीं दे रहा था। खैर, बहुत कुरेदने पर उन्होंने टुकड़ों में बोलना शुरू किया अपने। उनमें से एक साहिल ने बताया कि हम लोग वहां लंबे वक्त से हैं, 13 लोग हैं। गांदरबल का जिक्र करते ही फिर वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसके बाद एक संशय भरी नजर से उन्होंने देखा और कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम, बस घर जा रहे हैं, देखते हैं दोबारा कब आएंगे। बोला हम लोगों की ट्रेन कल आएगी, बहुत सारे लोग आए थे, दोपहर में यहां चले गए। उनमें से कुछ गांदरबल के भी थे। जेड मोड टनल पर काम कर रही कंपनी के गांदरबल में तैनात HR से बात करने की भी कोशिश की गई। पता चला कि वो और टीम के कई सदस्य घर को चले गए। वहीं जम्मू के करीब इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों को शुरू कराने वाली पहुंची वेंडर्स की टीम ने बताया कि मजदूरों की अचानक से कमी हो गई है। जो मजदूर मौजूद हैं उन्होंने अपनी कीमत बढ़ा दी है, वो भी बड़ी मुश्किल से तैयार हो रहे हैं। एप्को से ही जुड़ी एक टीम का कहना है कि फिलहाल चुनौती तो काम करवाना है। और जिस तरह से इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया उसने अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। जम्मू कश्मीर धारा 370 के हटने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि चीजें रिस्टोर हो जाएंगी और शांति फैलेगी, लेकिन जिस तरह से मजदूर पलायन करने को मजबूर है वह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से प्रवक्ता हामिद साहब जुड़ चुके हैं। मलिक हामिद साहब, आपका स्वागत है। इसके साथ ही BJP के तरफ से प्रवक्ता मंजूर नाइक साहब और AK जैन साहब बतौर पूर्व DGP भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हामिद साहब, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ये जो स्थिति, ये सर्कमस्टेंसेस जो अब उत्पन्न हो गई हैं एक तरह से मजदूरों के पलायन का, इसमें दो परेशानियां हैं। एक, जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने फुल स्विंग पर काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। दूसरा, धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद यह एस्टैब्लिश किया गया था कि अब वहां पर बाहर से आए लोगों को कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी और वहां पर लोग काम धंधा अपना कर सकेंगे। ऐसे में ये दोनों बड़े चैलेंजेस, आप इसे कैसे देखते हैं और जिस तरह से यह आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया उससे मजदूरों के हौसले भी टूटे हैं, वो वापस लौट रहे हैं, कितनी बड़ी चिंता की बात है। हामिद साहब, पहले हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस ब्रूटल किलिंग की, क्योंकि ये बहुत ज्यादती हुई। और दूसरी बात ये कि हमारी पूरी हमदर्दी उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन माओं ने अपने बेटे खोए, जिन बहनों ने अपने भाई खोए, तो जिन औरतों ने अपने पति खोए, क्योंकि ये एक का मरना नहीं होता, ये एक खानदान का मरना होता है।
पूरे पूरा खानदान इससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरे भाई कुणाल भाई, ये विरासत नहीं थी कश्मीर की, कश्मीर की विरासत अमन थी, भाईचारा थी, मेहमान नवाजी थी, तो यहाँ लोग बहुत अच्छे थे। मगर क्या हुआ कि किसी की नजर लग गई तो इस कश्मीर को, तो जो अमन के लिए माना जाता था, जो सुकून के लिए माना जाता था, भाईचारे के लिए माना जाता था, मेहमान नवाजी के लिए माना जाता था, तो नजर लग गई है। तो हम इल्तिजा करते हैं उनसे जो ये कर रहे हैं, ये एक इंसान का मरना, एक इंसानियत का मरना होता है, तो ये ठीक बात नहीं है। मगर चैलेंजेस है, ये बात आपकी सही है कि अब मजदूर पलायन करने लगे हैं, क्योंकि उनको अपने आप को पहले सेफ करना होता है कि वो सेफ नहीं समझते इस हालात में। तो ये आज से नहीं है, काफी देर से हुआ, पहले भी हुआ था, तो हुकूमत होने, हुकूमत जब से बनी है उससे पहले भी हुआ करता था। तो हालात हमने बताया था कि 370 हटने से तो हालात यहाँ ठीक नहीं हुए, टेररिज्म कम नहीं हुआ, जो ये बता रहे थे कि इससे टेररिज्म खत्म होगा, इससे यहाँ मिलिटेंसी टोटल बो डाउन हो जाएगी, मगर ऐसे नहीं होता। तो मगर हम यकीन करते हैं, और जो अपनी हुकूमत बनी है अब एनसी की, इंशाल्लाह आप यकीन कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, इंशाल्लाह एक दो सालों में वही कश्मीर आप देखोगे जिसकी तमन्ना सब करते थे, जिस कश्मीर को, जिस कश्मीर के बारे में बात होती थी पूरे वर्ल्ड में, जिस कश्मीर के अमन के बारे में बात होती थी, मेहमान नवाजी के बारे में बात होती थी, तरक्की के बारे में बात हुई थी, इंशाल्लाह वही कश्मीर बनेगा। तो ये जो नादान लोग है, जो ये गलत लोग है, जो टेररिस्ट है, तो इनको अपने पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, और इनको यहाँ उबरने नहीं दिया जाएगा, और इंशाल्लाह वही कश्मीर बनाएंगे, क्योंकि ये लोग भी जो कश्मीर में रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर रहते हैं, ये डिजर्व करते हैं अमन को, ये डिजर्व करते हैं यहाँ, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। हमें साहब सही फरमाया है आपने, और इंशाल्लाह वही होगा, बिल्कुल आपने बहुत वजह फरमाया है, और यही डिजर्व करते हैं वहाँ के लोग, अमन डिजर्व करते हैं, शांति डिजर्व करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मंजूर नाइक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास जाने से पहले हम जैन साहब से बातचीत कर लेते हैं। जैन साहब, ये जो पूरा ऑपरेशन अब चल रहा है आतंकवादियों से निपटने के लिए, ये पहली दफा नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर में हमेशा से चलता रहता है, आर्मी के तरफ से, पुलिस बल के तरफ से। लेकिन सर, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से अब टारगेट किलिंग हो रही है, द वेरी पर्पस ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 370 वो सर्व नहीं हो रहा है सर, और जिस तरह से अब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और वैसे में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पर अटक जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और वहां मौजूद सुरक्षा बल इसे कैसे कॉम्बैट करेंगे सर? जैन साहब, इसका आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, मिलिटेंसी बहुत लंबे समय से चल रही है, मैंने वो फेजेस भी देखे हैं जब हजारों की संख्या में यंग लड़के लड़कियां पत्थरबाजी करते थे, और क्या हालात थे, और पूरे कश्मीर के क्या हालात धीरे 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 बन गए थे, किन हालातों में कश्मीरी पंडितों को वहां से मार मार कर निकाला गया, ये सब भी सबको पता है, सबके संज्ञान में है, सबने देखा है। जब इस प्रकार की घटनाएं लंबे समय से वहां पे हो रही थी, उसी का कंटिन्यूएशन है। और ये जो हाल में इलेक्शंस हुए जिसमें कि भारी टर्नआउट हुआ, वोटर्स ने बाहर निकलकर एक अपनी एक पार्टी चुनी और वो पार्टी सत्ता में आई है, और ये भी एक खिसियाहट है, क्योंकि उनको लगता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो मजबूत हुआ है जेएनके में, होना भी चाहिए, और उसी की खिसियाहट है कि वो ये चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अभी हमारा असर कोई कम नहीं हुआ है। ऑपरेशन एक फ्लश आउट चल रहा है टेररिस्ट के खिलाफ, वही तो हमें निरंतर ये हमें इस ओर कश्मीर को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से फेल्ड स्टेट, और वहां पे आर्मी के पास एक ही मुद्दा है जिसके माध्यम से आर्मी की फंडिंग होती है, और वो है कश्मीर। कश्मीर का वो एक बोगी बनाए रखते हैं कि साहब कश्मीर ये है, उनको मालूम है एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद कश्मीर बिल्कुल टोटल हाथ से निकल चुका है, वर्ल्ड ओवर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी है, और ये जो है वो अब उनको पता है। मेरे ख्याल से मिलिटेंसी इस प्रकार की जो घटना इन्होंने की है वो लास्ट स्टेजेस में है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां की हैं, सबसे अपील करूंगा जो रूलिंग पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो सारे अपने जितने नुमाइंदे हैं, जितने अपने वर्कशॉप्स हैं, सबको लगाएं, और इसके बारे में
एक इंटेलिजेंस कलेक्शन हो और मिलकर कश्मीर के लोग जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं इन पर काबू पा सकें, ऐसे मिलिटेंट्स के ऊपर हावी हो सकें, तभी कश्मीर का विकास होगा। जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स दिए जा रहे हैं कश्मीर के लिए, ये इन पे अन्यथा रोक लगेगी। ओके जैन साहब, लेकिन ये प्रवासी भारतीयों को खास तौर पर टारगेट करना, इसके पीछे आपको क्या लगता है? नहीं, ये शैतानी है और कुछ नहीं है, शैतानी दिमाग है। और उनको ये लगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा, जो जोजिला के लिए पास बन रहा है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अब इसको कई लोग कई तरह से कनेक्ट करके देख रहे हैं, कोई कोई चाइना से कनेक्ट करके देख रहा है, कोई पाकिस्तान से कनेक्ट करके देख रहा है, कोई जो वो वहां पे सीपीईसी बन रहा है उससे कनेक्ट करके देख रहा है। तरह तरह की थ्योरीज आ रही हैं, आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि कौन थे इसके पीछे, क्या उनका मकसद था और किस प्रकार से उनको उनके मकसद में नाकाम किया जाए, ये भी निकल के सामने आ जाएगा। ओके, और इसी बेसिस पर, इसलिए आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद यह समझा जा रहा था कि चूंकि जिसके और आपने भी इशारा किया कि वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल गया, ये भी हुआ कि लोग बाहर से आ सकते हैं, वहां पर अपना व्यापार प्रॉपर तरीके से कर सकते थे, इसीलिए इसके अचीवमेंट की बात होती है। और अब मंजूर नाइक साहब, आपके पास आते हुए ये एक बहुत बड़ा कदम था जो उठाया गया था, जिस तरह से धारा 370 को एब्रोगेट किया गया था, और उसके बाद यही सोल पर्पस था कि भाई चलो अब जम्मू कश्मीर में जो पहले हुआ था सो हो गया, अब इन तरह की चीजों को फिर से देखने को नहीं मिलेगा। और इससे पहले कि मंजूर नाइक साहब, मैं यह कमेंट आपसे लूं, आपकी प्रतिक्रिया के बारे में जानूं, एक बार हामिद साहब आपको क्या लगता है, 2019 में जब इसे एब्रोगेट किया गया, क्या उसका पर्पस 2024 में अभी तक अचीव हो पाया है आपको लगता है? नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि 370 जो इन्होंने बताया कि हटा के यहाँ टेररिज्म खत्म होगा या कुछ अच्छा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि 370 हटाना या ना हटाना ये पर्पस एक है, एक रिलेशन इनकी मत बनाइए आप। 370 एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट था जो जम्मू कश्मीर पावर दे रहा था, वो लोगों के लिए पावर थे, लोग के असासे मिनरल्स, लोग के जॉब, लोगों की जमीन बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो एनवायरमेंट है वो साहब आएंगे आपके पास, आएंगे आ रहे हैं आपके पास। हाँ बोलिए हमीद साहब। हाँ, पूरे मुल्क से अलग है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि 76% फॉरेस्ट लैंड है और 24% टोटल वो लैंड है जिस पर आप एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या मकान या बाकी चीजें बना सकते हो, तो उसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि जब जन्नत आप इसको कहते हो तो अगर आप ज्यादा जो डेवलपमेंट आप कहते हो वो ठीक बात है, मगर यहाँ डेवलपमेंट के भी कुछ कंसर्न होते हैं कि कैसे करें, क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वो एनवायरमेंट को तबाह ना करे। अगर एनवायरमेंट यहाँ तबाह होगा तो यहाँ होटल ज्यादा बनेंगे, यहाँ फैक्ट्री ज्यादा बनेंगे, जिसको आप जन्नत कहते हो वो 5 साल में जहन्नम बन जाएगा। हाँ, तो उसी ये के लिए बिल्कुल सही आपने कही और मैं समझ गया आपकी बात। और मंजूर नाइक साहब, अब दो सवाल हो गए आपसे, छोटा छोटा सा जवाब दे दीजिएगा जिस तरह से, लेकिन ओनस तो सर आपको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अब 2019 के बाद से सिनेरियो में अब सेंटर का ही इंटरफेरेंस पूरी तरह से है, ऐसे में सेंटर को आपको क्या लगता है टेररिस्ट को कॉम्बैट करने के लिए क्या कुछ और होना चाहिए उपाय, क्योंकि अभी तक उसका रिजल्टेंट कुछ खास दिख नहीं रहा है? और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने इशारा किया हामिद साहब ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में, वो उसके नेचुरल ब्यूटी, उसके नेचुरल स्टेटस को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, इन दोनों मुद्दों के ऊपर आपका क्या विचार है नाइक साहब? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं हमारे जो साथी जिन्होंने अपनी कीमती जाने जो है इस मिलिटेंट अटैक में गवाई हैं, सबसे पहले उनको छत छत नमन और श्रद्धांजलि। जहां तक बात है कि पाकिस्तान पूरी तरह से जो है अभी बौखलाहट में है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, चाहे आपने देखा हो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट और वोटर टर्नआउट आप देखें, या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो अभी इलेक्शन हुए हैं वहां का वोटर टर्नआउट आप देख लें, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है हमारा इलेक्शन कमीशन का, इंडियन डेमोक्रेसी का, उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर जो है जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और ये सारी दुनिया ने देखा है।
दूसरी बात, जहां तक बात है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद, कुणाल जी मैं आपको भी यहां पे करेक्ट करना चाहूंगा, आपने कहा है कि कोई खास हमें फर्क दिखाई नहीं दिया है। आप मुझे बताएं 5 अगस्त 2019 के बाद क्या आपको एक भी हमारा नौजवान हाथ में पत्थर उठा के पत्थरबाजी करता दिखाई दिया? लेकिन सर शहीद तो हुए ना हमारे जवान, जो टेररिस्ट, सुने ना सर, जो टेररिज्म के जो इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में हुए हैं, आपके पास क्या उनका स्टैट्स पड़ा हुआ है कि अगर पहले मान लीजिए एक साल में 2000 बार या 1000 बार या 500 बार भी टेररिज्म के इंसिडेंट जो है, अटैक्स जो हमें देखने को मिला करते थे, आज वो घट के 30 से 35 से 40 रह गए हैं। जिस तरह से जैन साहब बात कर रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का जो एक मैकेनिज्म है, ये कई दशकों से चलता आ रहा है और इसको 2019 के बाद हमारी जितनी भी यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमें उन पे पूरा यकीन है, वो मिलिटेंसी को पूरी तरह से जो है कर्ब करने में सक्षम भी है और वो न्यूट्रलाइज कर भी रही है। और जम्मू कश्मीर जो है एक पीस और प्रोग्रेस का एक नया अध्याय जो है उसको विटनेस भी कर रहा है और यहाँ पे लिखा भी जा रहा है। आज क्या लाल चौक में कोई इस बात से इनकार कर सकता है? हमीद साहब इनकार कर सकते हैं कि लाल चौक में बैठ के आज हमारे लोग जो है वहाँ पे नाइट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं? वहाँ पे क्या बच्चे गेम्स नहीं खेलते हैं? आज फॉर्मूला 1 जैसी जो इंटरनेशनल इवेंट है वो कश्मीर में हुए हैं, आज इंटरनेशनल समिट जो है वो कश्मीर में हो रही है। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इस तरह के जो माहौल है, क्या ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद क्या ये साबित नहीं करता है कि जम्मू कश्मीर जो पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो बढ़ गया? ठीक है, ओके, उम्मीद तो सबकी यही है। एक क्विक कमेंट जैन साहब से भी लेते हैं। जैन साहब, अब जो लश्करे तैयबा एक आउटफिट है, हमने देखा उसका अब एक अंग, एक संगठन छोटा सा बना हुआ जिसे द रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं, वो निकल गया। कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे संगठन निकल कर सामने आ रहे हैं, इनसे टैकल करना कितना मुश्किल हो सकता है और इनको कैसे जवाब देना उचित होगा? देखिए, सवाल यह है कि एक हाइब्रिड एक टेररिज्म का एक मॉडल है जिसमें लोकल भी मिलिटेंट्स हैं। सबको ये समझना होगा, हर कश्मीरी को, कि वो इस रास्ते पे जाके कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। वही पाकिस्तानी टेररिस्ट को संरक्षण देते हैं, वही उनको खाना पहुंचाते हैं, वही उनको रास्ता दिखाते हैं और उनके 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 लिए हाइड आउट तैयार करते हैं। तो ये नए नए मॉड्यूल्स आते रहेंगे। ये तो मैं पूरी सर्विस में सुनता रहा कि अब ये मॉड्यूल ये सब, एक मॉड्यूल बस्ट हो जाता है तो वो जो है वो दूसरे नाम से खड़ा हो जाता है। और कुछ ऐसी जब घटनाएं हो जाती हैं तो एक अपना एक नाम चमकाने के उद्देश्य से भी बहुत से लोग इस पे क्लेम करने लगते हैं, जिससे कि उस टेररिस्ट आउटफिट की एक दहशत हो जाए। मेरा ये मानना है कि जो वहां पे जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जम्मू कश्मीर का जो हमारा फोर्सेस हैं, बहुत ही शीघ्र इस पे काबू पा लेंगे। ऑलरेडी दे आर सीज्ड ऑफ द इशू और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, सब उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे और जो भी इनके पीछे हैं ये सब मार गिराए जाएंगे और बचेंगे नहीं। ये तय है, बिल्कुल ये तय है, बिल्कुल समझना पड़ेगा। नाइक साहब, अब एक सवाल इससे रिलेटेड ले लेते हैं, चूंकि मौजूदा स्थिति में वही ट्रेंड कर रहा है, जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, अब उनको आप कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि वो वापस वहां पर टिक करके काम करें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पकड़कर वापस अपने नेटिव प्लेस में लौट रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस उनमें तो नहीं बन पाया है सर, इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? नाइक साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ, अभी रिपीट कीजिए सर। मैं एक दोहरा लेता हूं सवाल, जिस तरह से मजदूरों का पलायन अब बढ़ रहा है, कल से यह सिलसिला चालू हो गया है, ट्रेन भर करके जम्मू से बाहर, कश्मीर से बाहर जा रही हैं, ऐसे में जो मजदूर थे वहां पर काम में लगे थे, उनके अंदर अब आप कैसे कॉन्फिडेंस पैदा कर पाइएगा, क्योंकि वो काफी डर गए हैं, सहम गए हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आतंकवादी घटना हुई है इसमें इसको जितना कंडेम किया जाए वो काम है, और कहीं ना कहीं जो है प्रवासी मजदूरों के बीच में एक डर का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को पूरा देश देखता है, तमाम देशवासियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, यहाँ पे गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, और यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी हैं, और किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये इक्का दुक्का जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इनको पूरी तरह से हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो पुलिस फोर्स है,
हमेशा से करती भी आई है और आने वाले समय में आप देखेंगे किस प्रकार से इन तमाम आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने तक जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचाएगी। और जहां तक बात पलायन की है, ये कोई इस ख्वाब और ख्याल में ना रहे जिस तरह से 90s में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का पलायन हुआ था, इस तरह से अब कोई इस तरह की घटना को दोहराने की कोशिश करेगा तो इस चीज को कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है, ना ही इस तरह का कोई माहौल जो है यहाँ पे कोई बर्दाश्त करेगा। यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब जो है इस देश को लीड कर रहे हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द इस पे बहुत ही कड़ी कार्रवाई करके इन तमाम लोगों को, जो भी लोग इस साजिश के पीछे थे, उनको अपने सही अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा सर। ओके, ठीक है। हामिद साहब, नाइक साहब बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, चीजें रिस्टोर हो जाएंगी, आप इनके बात से कितना सहमत होते हैं? और चूंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर अभी भी सेंटर से चल रहा है, तो इसीलिए अब आपको निश्चिंत होने की जरूरत है, मतलब आपकी भूमिका कुछ ज्यादा है नहीं उसमें, हामिद साहब? नहीं, मैं बात मानता हूँ, जिसने कत्ल किया तो उसको भाई तकमील तक पहुंचाना देशवासियों का फर्ज है और सिक्योरिटी का फर्ज है। मगर जो ये अमन कहते हैं, इस अमन में हमारा खून भी शामिल है, क्योंकि एनसी के 10,000 वर्कर यहाँ मारे गए इस झंडे को, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए। हाँ, ये बात भी सच है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते हैं कि यहाँ जो डेमोक्रेसी बहाल हुई तो उनको डर लगा कि डेमोक्रेसी बहाल नहीं होनी चाहिए, इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ काम कर रहे हैं। मगर मैं जो भाई मेरे प्रवक्ता है उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक वर्डिक्ट लोगों ने दिया है स्टेट बारे में, सेक्टर मुंह के बारे में, 35A के बारे में, तो बीजेपी को चाहिए कि इस वर्डिक्ट का रेस्पेक्ट किया जाए, जो उन्होंने पार्लियामेंट की पटल पर हाउस में कहा था कि स्टेटहुड जल्दी यहां रेस्टोर किया जाएगा, ताकि जो अब डेमोक्रेटिक सरकार जो बनी, जो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, ताकि वो काम करे, इंटरफेरेंस ज्यादा न हो, तो जो कन्फ्रंटेशन खड़ा खड़ी हो जाती है वो न हो, ताकि वो आराम से लोगों का काम करे, जो लोगों से वादे किए वो पूरे करे, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। और दूसरी बात, ये आप कह रहे हो जो प्लान किए हुए मजदूर है, ये पहले भी वाकयात बहुत ज्यादा हुए, मगर मजदूर फिर आए काम किए, क्योंकि होता है देश में ऐसे वाकयात होते हैं, हम कंडम करना चाहते हैं फिर पुरजोर मजम्मत करना चाहते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। और आज जो डेमोक्रेटिक सरकार बनी उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, तो इसमें ये हुआ था, हमें बहुत दुख है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि खानदान मर जाता है, एक आदमी मरने से एक खानदान तबाह हो जाता है, ये एक आदमी की बात नहीं होती है। हम इस वक्त उनके दुखों के साथ हैं, जिनके भाई खोए, जिन बहनों ने अपने भाई खोए, जिन माओं ने अपने बेटे खोए, उनके दुख के साथ है, और उनके साथ भी है जो जख्मी, तो अल्लाह करे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो मगर हम अपील भी करना चाहते हैं यहाँ से कि आप डरिए मत, कुछ वेस्टेड इंटरेस्टेड है तो जिन्होंने ये काम किया है, मगर हम अब हम सिक्योरिटी बिल्कुल आपको ज्यादा देंगे, आप आराम से काम कीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। तो जिस ओर आप लोगों ने इशारा किया है वो सुबह कभी तो आएगी, और उस सुबह के ही इंतजार में जम्मू कश्मीर के सारे लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली, लेकिन जो धरातल पर चीजें बदलनी चाहिए वो उतनी तेजी से अभी तक नहीं बदली। उम्मीद लगातार जारी रहेगी, चीजें रिस्टोर हो सके। खास पेशकश में मेरे साथ अभी तक इतना ही, नमस्कार।